हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल। और लारा सेवन रिलीज हो गया है एक दिन पहले, और आज हम देखने वाले हैं कि लारा सेवन हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सारी की सारी कमांड्स स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बट सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको मैं लारा सेवन का दिखाता हूँ कि अपडेट आ गया। मास्टर के बाद में लारावल एक्स यानी कि लारावल सेवन रिलीज आ गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको अपडेट्स बताए गए हैं और अपग्रेड के लिए गाइडलाइंस बताई गई हैं। आपको आने वाली वीडियो के अंदर अगर आपके पास लेवल सिक्स को सेवन सेवन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि हमें इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन गेट गेट स्टार्टेड। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली सबसे पहले ये बताएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट PHP 7.2.5 तो होना ही चाहिए। इससे अगर नीचे आता है तो PHP को अपग्रेड कर लीजिएगा, अदरवाइज PHP आपका लारावेल नहीं चलने वाला। राइट, सो उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली कंपोजर होना चाहिए। कंपोजर कैसे चेक करोगे कि आपके पास कंपोजर है कि नहीं है? सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपोजर एक कमांड चेक करनी है, जस्ट लिखिए और आपको पता जाएगा कंपोजर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर आपके पास कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो दी है कि आपको कंपोजर क्यों चाहिए और आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या लारावेल इंस्टॉलर है कि नहीं है, वो आप कैसे चेक कर सकते हो। सिंपली लिखो लारावेल, ठीक है। आप लारावेल लिखते हो, आपको ये बता देगा कि आपके पास कंपोजर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये बताता है कि आपको लारावेल कंपोजर नहीं है तो आपको ये वाली कमांड चलानी है बेसिकली, ठीक है। कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड, आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी है, और मैं ये जो कमांड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तीन कमांड है ये आपको जो बेसिकली काम आने वाली है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही कमांड चलानी है, ठीक है। जैसे आप ये कमांड चलाओगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंस्टॉल होने के अंदर, ठीक है। और सी, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लारावेल इंस्टॉलर, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वाली कमांड नहीं चलानी है, तब आपको चलानी है सेकेंड वाली कमांड, ठीक है, कंपोजर ग्लोबल अपडेट, ठीक है। सो सबसे पहले ये वाली कमांड है, अभी के लिए मैं एक बार के लिए इसको पोज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम लेगी, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो सी, नाउ यू कैन सी दैट कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल था मेरे वाले में, बट स्टिल मैंने एक बार इसको चलाया तो आप देख सकते हो कि अभी सब कुछ अप टू डेट है, तो कुछ भी ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, नथिंग टू इंस्टॉल और अपडेट, ठीक है। सो स्टिल एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ लारावेल ग्लोबल अपडेट करके कुछ अपडेट है कि नहीं है। बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सारी सारी कमांड्स ट्राई करूंगा ही करूंगा। राइट, सो अब यहाँ पे चेक करके बता दें कुछ डिपेंडेंसी अपग्रेड करने लायक है या नहीं है। सो फॉर नाउ स्टिल आई एम जस्ट येस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी अपडेट करने लायक नहीं है बिकॉज मैंने जस्ट अभी अपडेट करा है। आपके केस में ये अपडेट हो जाएगा इजीली। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट कमांड, ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं करता हूँ कि जो मेरा लारावेल 2 था, प्रोजेक्ट था, इससे मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, ठीक है। और या फिर कमांड लाइन क्लोज करके मैं एक बार फिर से आता हूँ, CD डेस्कटॉप 7 और RM, ओके, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक अलग से 7 के अंदर मैं एक अलग से लारावेल का न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम, मैं प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहता हूँ, लेट्स से मैं प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूँ यूट्यूब। राइट, सो मैं यू स्मॉल रखता हूँ और मैं हिट करता हूँ एंटर। सो आप देख सकते हो कि लारावेल 7 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, और बहुत ही क्विकली। अगर आप लारावेल 6 के कंपेरिजन में देखते हो ना, तो बहुत ही सही तरीके से, बिकॉज कैशे वगैरह इतने अच्छे से मेंटेन है कि टाइम भी नहीं लगाता और बहुत जल्दी जल्दी इंस्टॉल भी हो जाता है। अब देख सकते हो एप्लीकेशन इज रेडी, बिल्ड समथिंग अमेजिंग, ठीक है। सो मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ यूट्यूब वाले के अंदर, और इसको मैं एडिटर के अंदर मैं ओपन करता हूँ बेसिकली, ठीक है। जो मेरा करंट एडिटर है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट। इससे क्या होने वाला है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है वो कोड एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या ये लारावेल 7 ही है या नहीं है। पैकेट डॉट जेसन के अंदर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो PHP का वर्जन जो हमारा है, लारावेल का वर्जन, लारावेल के थिनर का वर्जन। ये थिनर का वर्जन अभी बेसिकली ज़्यादा मेजर है नहीं, बट आप लारावेल का वर्जन और PHP का वर्जन देख सकते हो कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे सही मीट कर रही है। सो इस तरीके से हमारा लारावेल सही से चल गया। ओके, सो इसको रन भी तो करके देखते हैं चल क्या रहा है। PHP आर्टिसन कमांड पुराने वाली सेम, अगर आपने पहले नहीं देखी है तो सर्व करने के लिए हमें PHP आर्टिसन सर्व यूज़ करना पड़ता था। अगर आप इससे अवेयर हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सो
इसके बाद आपको ये पोर्ट खोलना है लोकल होस्ट के 8080 के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत एक सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा पेज ओपन हो गया है, राइट। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जल्दी ही मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं लारावेल के। थैंक्स वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।